एक बात यहाँ पर तारीफ भी करनी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजों की, जिस तरीके से उन्होंने हर टेस्ट मैच में उस पहली पारी के बाद 578 रन जहां बनाए थे इंग्लैंड ने, मौका नहीं दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, और यहां भी उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। इसलिए हम लोग यही चर्चा कर रहे थे लंच के ब्रेक के समय पे कि किस तरह पहला सेशन इंग्लैंड लेते हुए उसके बाद किस तरह उन्होंने वापसी की, बॉलर्स सभी मिलके टाइट ओवर्स डाले, मेडन्स डाले और प्रेशर बिल्डअप करता रहा बैट्समैन के अगेंस्ट, जिसके वजह से हमने देखा लूज शॉट्स जहां पे मार के आउट हो गए। तो अगर बॉलर टाइट बॉलिंग नहीं करेगा तो फिर वो लूज शॉट्स निकलेंगे नहीं, इसलिए काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है। बॉलिंग इन टैंडम हुआ है लंच के बाद टी फेज में जो सेशन चलता है, और मेरे ख्याल से अगर आप देखें अक्षर पटेल थोड़ा ज़्यादा रन दिए होंगे, क्योंकि जितना मैं जानता हूं उनको वो और भी एक्यूरेट डालते हैं, 68 रन दिए हैं आज, लेकिन अगर आप उनके चौके वाले सारे बॉल्स देखेंगे ना, सारे कुछ बॉल्स शॉर्ट बॉल हुए, अक्सर हम शॉर्ट बॉल उनके हाथ से देखते नहीं है, लेकिन काबिले तारीफ है 4 विकेट इस मैच में भी उन्होंने निकाली, इस इनिंग्स में पांचवा भी हो सकता था, लेकिन दूसरी तरफ अगर अश्विन रहे तो 5 विकेट लेना आसान नहीं होता है, तो इसलिए उनका परफॉर्मेंस और भी उभर के आता है क्योंकि आपके दूसरे छोर से अश्विन बॉल डालते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, और कई सालों से खैर ये ऐसा होता आ रहा है मनोज, कि कैसे बल्लेबाजों का देश था भारत, बल्लेबाज बल्लेबाजी बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन अब एक परंपरा सी बनती आ रही है, एक प्रतिष्ठा हो गई है और अनुशासन बहुत है इन गेंदबाजों में। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, देख रहे ना क्या किया मैंने वहां पर। लेकिन जिस तरीके से अनुशासन से गेंदबाजी करी है मनोज सारी गेंदबाजों ने, अक्षर पटेल की तो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन उनके अलावा भी आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने कहा कि कोई वीक लिंक नहीं था, बाउंड्री बॉल जरूर गई, रन कुछ जरूर गए, लेकिन कहीं भी जो इंग्लैंड के बल्लेबाज थे वो ढूंढ नहीं पा रहे थे मौका कि मैं इस बॉलर को टारगेट करूंगा और रन बन जाएंगे। और वही एक काबिले तारीफ बात है इन सब की, 5वें गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर, अब देखिए वहां पर 7 ओवर में 14 रन दिए और एक बड़ा विकेट भी निकाला बेन स्टोक्स का, ये दिखाता है कैसे कंप्लीट गेंदबाजी परफॉर्मेंस रही है। सही में देखिए हमेशा बॉलिंग इन टैंडम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप प्रेशर तभी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे विकेट्स कभी कभी जो अच्छे थोड़े नहीं भी डालते हैं दूसरे बॉलर के वजह से, जब वो प्रेशर डालते हैं दूसरे एंड से उसके वजह से भी मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी बॉलर्स आज डाले हैं बहुत अच्छा डाले हैं, क्योंकि आज थोड़ा पेस भी दिखने को मिला, थोड़ा सीम भी हुआ नए गेंद से, जहाँ पे ईशांत कुछ ट्रबल कर रहे थे शुरुआत में, उसके बाद मोहम्मद सिराज जिस तरह से विकेट टू विकेट बॉल डाल रहे थे, चतुराई से डाल रहे थे, बाउंसर भी डाल रहे थे, और जब बाउंसर डाल रहे थे तो क्रॉस सीम से डाल रहे थे, क्रॉस सीम से डालने का फायदा होता है एक्स्ट्रा बाउंस मिलना, तो वो चतुराई से डाल रहे थे, उसके बाद जब अश्विन और अक्षर पटेल बॉल डाल रहे थे बेन स्टोक्स को और जॉनी बेयरस्टो को, तब विकेट्स नहीं निकल रही थी, तो फिर हम देखे मोहम्मद सिराज विकेट चटकाया, उसके बाद थोड़ा सा हल्का पार्टनरशिप उन बेन स्टोक्स और ऑली पॉप का लग रहा था, तब कप्तान विराट कोहली बहुत अच्छा एक बदलाव लाए, इनको कराया, वॉशिंगटन सुंदर को कराया, और वो आते ही 7 ओवर के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाए उस बैट्समैन का, जो बैट्समैन अर्धशतक पे बैटिंग कर रहा था और एक बड़ा रन के तरफ जा रहा था, बेन स्टोक्स का विकेट बहुत महत्वपूर्ण समय पे लिया, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड 205 रन पे सिमट गई। बिल्कुल, और प्रशंसा की बात इसलिए भी प्रशंसा करनी पड़ेगी इस भारतीय गेंदबाजी अटैक की, क्योंकि भाई पिछले टेस्ट मैच में तो मनोज वो तमगा लग गया था कि भाई ये तो पिच ऐसी है इसलिए, लेकिन यहाँ पिच ऐसी नहीं है। मोहम्मद सिराज ने भी मैच के बाद बोला, अभी वो एक फ्लैश इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि ये बैटिंग विकेट है, अगर संयम से बल्लेबाजी करेंगे हमारे बल्लेबाज तो इस पर अभी भी रन्स बन सकते हैं। एक ऐसी बात जो आप भी आज सुबह कह रहे थे कि डिटीरियोरेट होगा, लेकिन पिच सतह जो है इस समय ऐसी लग रही है कि यहां बल्लेबाजी करना आसान होगा, तो ऐसे में इंग्लैंड के 10 विकेट गिरा देना काबिले तारीफ पर काबिले तारीफ है। देखिए मोहम्मद सिराज एक फास्ट बॉलर है, उनको भी पता है अगर संयम से बैटिंग करें, टेम्परामेंट रहे आपका, और अगर आप लूज शॉट्स नहीं खेले, विकेट थ्रो नहीं करें, तो यहाँ रन बनाना उतना कठिन नहीं है। जिस तरह से आज हमने देखा पिच बिहेव कर रही थी, उतना ज़्यादा मदद नहीं था, लेकिन हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे बॉल डाले जिसके वजह से वो प्रेशर बना, और ऑब्वियस सी बात लग रही थी देख के कि इंग्लैंड वाले बहुत ज़्यादा दबाव में थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि बॉल पहले सेशन से ही घूमने वाला है, लेकिन एक बार जब पता लग जाता है कि बॉल नहीं घूम रही है तो पेशेंस के साथ बैटिंग करना चाहिए, और टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस नहीं है किसी के पास तो वो ज़्यादा सालों तक नहीं खेल पाता, सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे टेम्परामेंट आपका मस्ट होना ही होना है, नहीं तो
अगर इस तरह से विकेट थ्रो करेंगे तो आप बड़ा रन ड्रेसिंग रूम में बैठ के नहीं बना सकते।